E हेलो बच्चों एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं जैसा कि हम लोगों ने बच्चों पिछले बहुत सारे वीडियो को हम लोगों ने देखा जाना समझा जिसमें टेंथ क्लास और एलेवेंथ क्लास के वीडियो सम्मिलित थे तो चलिए आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पहले वीडियो को बनाने जा रहे हैं आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे तो सबसे पहला टॉपिक्स आप लोगों के सामने में मैं ऑप्टिक्स लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास में सबसे ज़्यादा अंक देगा इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और ऑप्टिक्स की सभी घटनाओं को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं बच्चों ऑप्टिक्स है ना हम लोग के संसार में हम लोग के चारों और ऑप्टिक्स संबंधी घटनाओं का भरा पड़ा हुआ है भरमार है, है कि नहीं इन सभी घटनाओं को समझने के लिए मुझे इसका अध्ययन करना अनिवार्य होता है इसीलिए एक एक घटना को हम मुझे समझना ज़्यादा उचित महसूस होता है इसीलिए मैं आप लोगों के सामने में थियोरिटिकल पोर्शन के साथ साथ इसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग को भी पढ़ेंगे कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं है कि नहीं टेंथ क्लास में भी आप लोगों ने ऑप्टिक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा था लेकिन उतना ज़्यादा वहाँ एक्सप्लानिशन आप लोगों को नहीं मिलता है है कि नहीं लेकिन ट्वेल्थ क्लास में जब आप लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है अच्छी तरह से समझाया गया है कि आखिर वो घटना ऐसे क्यों होती है कैसे घटित होती है तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को हम लोग लैप्स किए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऑप्टिक्स होता क्या है है ना इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और साथ ही ऑप्टिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है और उन उन भागों का डेफिनेशन क्या क्या होता है तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं शुरुआत में ही हम लोग आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि ऑप्टिक्स को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रकाशिकी को परिभाषित करेंगे देखिए प्रकाशिकी की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कैसे हम लोग देंगे तो देखिए इस प्रकार देंगे भौतिकी का वैसा शाखा है ना भौतिकी का वैसा शाखा भौतिकी का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत प्रकाश संबंधी प्रकाश संबंधी घटना का है ना घटना का अध्ययन अध्ययन विस्तार पूर्वक विस्तार पूर्वक करते हैं करते हैं तथा उन घटना का है ना उन घटना का सत्यता की जांच के लिए उन घटना का सत्यता की जांच के लिए जांच के लिए प्रयोग का निष्पादन करते हैं है ना प्रयोग का निष्पादन करते हैं प्रकाशिकी कहलाता है प्रकाशिकी कहलाता है बच्चों तो आप लोग अच्छी तरह से देख पाए होंगे कि प्रकाशिकी क्या होता है इसमें प्रकाश संबंधी जितनी भी तरह की घटनाएं होती है इसका हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोग यहाँ पर इसका चर्चा करते हैं है कि नहीं थियोरिटिकल मैथमेटिक्स का सहारा लेकर के हम लोग इसकी चर्चा करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं और साथ ही उन सभी घटनाओं का है ना अध्ययन करने के लिए साथ ही उसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी में प्रयोग भी करते हैं ताकि मुझे यह बात का पता चल सके कि वो घटना सही में घटित होती है या नहीं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों है ना उसी को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं तो इसे आप लोग अच्छी तरह से जान पाए होंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है तो चलिए हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं कि ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटा गया है प्रकाशिकी का विभाजन कितने भागों में किया गया है तो ऑप्टिक्स का डिवीजन, ऑप्टिक्स को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते कौन कौन भाग हैं इसमें तो सबसे पहला भाग को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स, है ना जयामितीय प्रकाशिकी इसको हम लोग कहते हैं तो जयामितीय प्रकाशिकी और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं तरंग प्रकाशिकी हम लोग कहते हैं तरंग प्रकाशिकी कहते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जयामीतीय प्रकाश क्या होता है है ना और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि तरंग प्रकाशिकी क्या होता है तो जयामीतीय प्रकाशिकी में आखिर क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है ये भी चीज हम लोग जानेंगे जयामीतीय प्रकाशिकी जिसको हम लोग इंग्लिश में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं क्या होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स देखिए प्रकाशिकी का वैसा भाग है ना प्रकाशिकी का वैसा वैसा भाग भाग जिसके अंतर्गत वैसा भाग जिसके अंतर्गत प्रकाश संबंधी घटना का प्रकाश संबंधी घटना का अध्ययन है ना प्रकाश संबंधी घटना का अध्ययन गणित के गणित के जयामिति सिद्धांत के आधार पर किया जाता है है ना गणित के जयामिति सिद्धांत के आधार पर आधार पर किया जाता है मीतीय प्रकाश की कहलाता है मीतीय प्रकाश की कहलाता है जैसे आप लोग जानते हैं जैसे जैसे क्या हुआ जैसे प्रकाश का परावर्तन संबंधी घटना होती है दर्पण में प्रतिबिंब आदि निर्माण की संबंधी घटना होती है अपवर्तन संबंधी घटना होती है लेंस में प्रतिबिंब आदि निर्माण संबंधी घटना होती है प्रिज्म होती है प्रकाशिक यंत्र होता है है ना प्रकाशिकी यंत्र जैसे आप लोग जानते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, है ना जैसे इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है टेलीस्कोप आदि आते हैं है, है ना तो इन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है क्योंकि इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम मुझे ज्योमिति के सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है तो उसी को हम लोग ज्योमिति प्रकाशिकी कहलाता है कहते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि तरंग प्रकाशिकी क्या होता है तरंग प्रकाशिकी हम लोग किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो तरंग प्रकाशिकी हम लोग इसको इंग्लिश में वेब ऑप्टिक्स भी हम लोग कहते हैं बच्चों है ना वेब ऑप्टिक्स तो वेब ऑप्टिक्स क्या होता है तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे देखिए प्रकाशिकी का वैसा भाग है ना प्रकाशिकी का वैसा भाग वैसा भाग जिसके अंतर्गत है ना जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत देखिए प्रकाश संबंधी घटना का प्रकाश संबंधी घटना का अध्ययन प्रकाश संबंधित घटना का अध्ययन प्रकाश को तरंग मानकर किया जाता है प्रकाश को तरंग मानकर है ना प्रकाश को तरंग मानकर किया जाता है तरंग मानकर किया जाता है तरंग प्रकाशिकी कहलाता है तरंग प्रकाशिकी कहलाता है तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार के ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं प्रकाश संबंधी जितनी भी तरह की घटनाएं होती हैं उस सभी घटना का अध्ययन हम लोग किस आधार पर करते हैं प्रकाश को तरंग मान करके करते हैं है ना तो इसके अंतर्गत कौन कौन सारी घटनाएं आती है तो हम लोग उसको देखेंगे इसमें सबसे पहला आता है कि प्रकाश का व्यतीकरण प्रकाश का व्यतीकरण जिसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते, हैं उसके बाद आता है विवर्तन जिसको हम लोग डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते, हैं उसके बाद आता है ध्रुवन है कि नहीं और आदि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम लोगों को इसमें पढ़नी है तो प्रकाश का व्यतीकरण प्रकाश का विभोवर्तन प्रकाश का ध्रुवन ये सारी घटनाओं का अध्ययन हम लोग प्रकाश को तरंगमान करके हम लोग करते हैं बच्चों तो ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग लेसन है तो चलिए आज हम लोग ज्योमिति प्रकाश को शुरू करते हैं है कि नहीं इसके बारे में क्या क्या चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे तो हम लोग चलिए देखते हैं जैमित प्रकाश को शुरुआत करते हैं ज्योमिति प्रकाश का शुरुआत भी हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से करेंगे क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन नहीं है प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास में नहीं पढ़ना है और ना ही आप लोगों को स्टडी दर्पण का करना है आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है प्रकाश के अपवर्तन से और फिर अपवर्तन के बारे में पढ़ करके हम लोगों को लेंस पढ़ना है है ना लेंस में भी बहुत कम्प्लिकेटिव प्रॉब्लम सब है, है ना सिद्धांत है तो उसके बारे में हम लोगों को जानना है क्योंकि हम लोग प्रकाश का परावर्तन का विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग टेंथ क्लास में ही कर चुके हैं तो आज हम लोग उसके आगे हम लोगों को स्टडी करना है तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग पर शुरुआत करेंगे तो स्टार्ट मेरा यहां पर हो रहा है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन ये किसके अंतर्गत आता है तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों की प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है है कि नहीं तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन कर चुके हैं जानते भी हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश अपने वास्तविक पथ से कुछ विचलित हो जाती है प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं इसे मुझे नहीं लगता है कि समझाने की आवश्यकता भी आप लोगों को पड़ेगी तो चलिए देखिए इसका डिफाइन मैं कर देता हूं देखिए प्रकाश जब प्रकाश की किरण है कि नहीं प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रवेश करती है तो प्रवेश करते समय तो प्रवेश करते समय किरण अपनी वास्तविक पथ से तो किरण अपनी वास्तविक पथ से कुछ विचलित हो, हो जाती है कुछ विचलित हो जाती है कुछ विचलित हो जाती है प्रकाश का यह घटना प्रकाश का यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है तो इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करते समय ये अपने वास्तविक पथ से कुछ हट जाती है कुछ विचलित हो जाती है तो इस प्रकार विचलित होना प्रकाश का वास्तविक पथ से वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है है कि नहीं ऐसा बहुत सारा उदाहरण आप लोगों को मिल जाएगा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण क्या क्या होता है तो आप लोग जानते हैं जैसे इसका मैं उदाहरण देता हूँ तो इसका उदाहरण क्या होगा जैसे आप लोग जानते हैं है, है ना? क्या क्या होता है जैसे सबसे पहला उदाहरण क्या होता है कि कि देखिए पानी के है ना सतह मतलब उसके भीतरी सतह पर यदि कोई वस्तु रखी गई है तो वह अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ उठी हुई प्रतीत होती है तो ये पहला उदाहरण ये तो देखिए पानी की पानी की भीतरी सतह है न पानी की भीतरी सतह सतह में रखा गया वस्तु भीतरी सतह में रखा गया वस्तु का उठा प्रतीत होना का उठा प्रतीत होना ये पहला था दूसरा नंबर में क्या होगा इसको हम लोग दूसरा स्टार से देते हैं या एरोसाइन से इसको इंडिकेट करते हैं है दूसरा क्या होगा कि देखिए पानी में पानी में रखी गई वस्तु या छड़ी पानी में रखी गई छड़ी का मुड़ा प्रतीत होना का मुड़ा प्रतीत होना है ना का मुड़ा प्रतीत होना तारों का टिमटिमाना तारों का टिमटिमाना है ना उसके बाद हीरों का चमकना हीरों का चमकना और भी बहुत सारी घटनाएं आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा है कि नहीं जैसे मृग मरीचिका का बनना है ना तो बहुत सारी घटना आप लोगों को प्रकाश का ये सारी दो चार घटना मैं आप लोगों का यहाँ पर दिया हूँ तो आदि मैं लिख देता हूँ है ना आदि तो चलिए हम लोग इसके बारे में आगे और भी जानेंगे कि आखिर प्रकाश जो मूर्ति है वो मुड़ने का उसका क्या प्रोसेस होता है तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहला जानना पड़ेगा बच्चों कि इसमें माध्यम क्या होता है मुड़ने का तो घटना हम लोग जानेंगे ही जानेंगे सबसे पहले हम लोग इस बात को भी जानेंगे कि यहाँ पर माध्यम क्योंकि सबसे पहला बात यहाँ पर आता है माध्यम कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करती है तो वो मुड़ती है तो यहाँ पर माध्यम सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा है इसीलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक्स है उसको हम लोग क्लियर करते हैं माध्यम जिसको हम लोग मीडियम कहते हैं है ना इसको हम लोग मीडियम कहते हैं माध्यम किसको कहते हैं देखिए डायरेक्टली यदि हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे कि माध्यम किसे कहते हैं तो हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि माध्यम जो होती है उसको डिफाइन करने के लिए एक दूसरे माध्यम का आवश्यकता पड़ती है इसका मतलब है कि माध्यम अकेले जो होती है अस्तित्व में नहीं आती है कब आती है जब उसके सापेक्ष कोई दूसरे माध्यम उसके निकट रखा गया हो या उसका तुलना दूसरे के साथ किया गया हो तभी हम लोग उसके बारे में जान पाएंगे इसका मतलब है कि माध्यम एक सापेक्ष पद होता है कि नहीं सापेक्षिक पद होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं कि माध्यम एक सापेक्षिक पद होता है, है कि नहीं? इसकी परिभाषा सापेक्ष है ना सापेक्षता के अनुसार हम लोग यहाँ पर इसकी परिभाषा देते हैं तो देखिए माध्यम की परिभाषा है ना माध्यम की परिभाषा है ना सापेक्ष पद के अनुसार देते हैं सापेक्ष पद के अनुसार देते हैं सापेक्ष पद के अनुसार देते हैं है कि नहीं देते हैं तो सापेक्ष पद कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि यहां पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पहला होता है विरल माध्यम है कि नहीं विरल माध्यम दूसरा क्या होता है सघन माध्यम विरल माध्यम और सघन माध्यम है कि ये दो माध्यम कब अस्तित्व में आए हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम कब जब दूसरा माध्यम इसके सामने रखा गया है, है ना विरल माध्यम कब विरल माध्यम है जब सघन माध्यम उसके बगल में मौजूद है और सघन माध्यम कब सघन माध्यम होगा जब उसके निकट विरल माध्यम होगा है नहीं? कि कि नहीं स्वतंत्र रूप से कोई भी माध्यम का अस्तित्व नहीं होता तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं विरल माध्यम को और उसके बाद इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं विरल माध्यम क्या होता है है ना विरल माध्यम क्या होता है देखिए वैसा माध्यम है ना वैसा माध्यम जिसके जिसके की बीच की दूरी, जिसके के बीच की दूरी बीच की दूरी दूसरे माध्यम की तुलना में है ना दूसरे माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम की तुलना में क्या हो ज्यादा हो ज्यादा हो तो तो उसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष देख रहे हैं यहां सापेक्ष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष है ना दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं है ना दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं तो इसको कहते हैं विरल माध्यम बच्चों तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे आप लोग फटाफट इसको है ना इसका डेफिनेशन को नोट करेंगे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सघन माध्यम क्या होता है उससे पहले हम लोग समझेंगे कि विरल माध्यम को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं तो चलिए हम लोग देखेंगे कि विरल माध्यम क्या होता है मैंने क्या कहा कि विरल माध्यम वैसा माध्यम है है ना जिसके अणुओं के बीच की दूरी दूसरे माध्यम की तुलना में ज़्यादा होती है तो हम लोग यहाँ पर एक माध्यम का निर्माण करते हैं देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अनु के बीच की दूरी है ये चीज़ ये चीज़ अणुओं के बीच की दूरी बता रहा है डिफ्रेशन ये एक पहला माध्यम को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर एक दूसरा माध्यम को इंडिकेट कर रहा है तो इस प्रकार एक माध्यम यहाँ पर तो दोनों माध्यम को आप लोग देख पा रहे होंगे तो जब हम लोग दोनों माध्यम के बीच में जब हम लोग तुलना करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि इस माध्यम के अणुओं के बीच की दूरी इस माध्यम की तुलना में ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि इस माध्यम के सापेक्ष ये क्या है विरल माध्यम है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे विरल माध्यम कहते हैं है कि नहीं तो इसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं और इसके सापेक्ष तब ये क्या हो जाता है सघन माध्यम हो जाएगा है कि नहीं जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं जैसे हवा और पानी तो आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि हवा के अणुओं के बीच की दूरी पानी की तुलना में ज्यादा होती है इसका मतलब है कि पानी की तुलना में यहाँ पर क्या हो जाएगा हवा विरल माध्यम होगा बिरल माध्यम हो जाएगा तो हम लोग सघन माध्यम को डिफाइन करते हैं उसके बाद हम लोग तुलनात्मक अध्ययन यहां पर करेंगे हम लोग सघन माध्यम को पहले यहाँ पर परिभाषित कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इसका अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे सघन माध्यम जिसको इंग्लिश में हम लोग डेंसर मीडियम भी हम लोग कहते हैं इसको हम लोग डेंसर मीडियम भी कहते हैं और उसको हम लोग रेयरर मीडियम भी कहते हैं बिरल माध्यम को तो सघन माध्यम क्या होता है देखिए वैसा माध्यम है ना वैसा माध्यम जिसके अनुओं के बीच की दूरी जिसके अनुओं के है ना जिसके अनुओं के बीच की दूरी जिसके अनुओं के बीच की दूरी दूसरे माध्यम की तुलना में है ना दूसरे माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम की तुलना में कम हो कम हो है ना उसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष उसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं है ना उसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं तो ये था सघन माध्यम बच्चों जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि वैसा माध्यम जिसके अनुओं के बीच की दूरी दूसरे माध्यम के सापेक्ष कम हो जैसे आप लोग ऊपर में जा ही पाए होंगे है कि नहीं ऊपर में देख देख पा रहे होंगे कि इस माध्यम में क्या अनुओं के बीच की दूरी ज़्यादा है और इस माध्यम में अणुओं के बीच की दूरी कम है तो विरल माध्यम की परिभाषा देने से पहले हम लोग सघन माध्यम के साथ इसकी तुलना करते हैं और सघन माध्यम की जब हम लोग परिभाषा देते हैं तो इसकी तुलना हम लोग बिरल माध्यम के साथ करते हैं इसका मतलब है कि दोनों माध्यम का यदि अस्तित्व है कब जब एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के माध्यम दोनों के निकट स्थित हो तब है कि नहीं तो अब हम लोग यहाँ पर इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं जैसे मान लेते हैं अभी तुरंत मैंने यहाँ पर कहा कि हवा और पानी है कि नहीं हवा और पानी में सघन कौन है और बिरल कौन है तो आप लोग जानते हैं कि हवा के अणुओं के बीच की दूरी पानी की तुलना में ज़्यादा होती है इसीलिए हवा क्या हो जाएगा एक विरल माध्यम होगा और हवा के सापेक्ष पानी क्या हो जाएगा सघन माध्यम होगा लेकिन अब यहाँ पर हम लोग तुलना करते हैं बच्चों की पानी और कांच के बीच में तुलना करते हैं तो अब हम लोग पाते हैं कि कांच की तुलना में पानी के अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि दो माध्यम की तुलना में पानी क्या हो जाएगा विरल माध्यम होगा और कांच क्या हो जाएगा सघन माध्यम होगा तो आप लोग अब यहां पर कहेंगे सर कि ये यहां पर पानी को आप सघन माध्यम बता रहे हैं और यहां पर आप पानी को बिरल माध्यम कह रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं कही ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम समझने का सिर्फ है बच्चों कि यहाँ पर पानी की तुलना हवा के साथ की गई है जिसके अणुओं के बीच की दूरी पानी के सापेक्ष ज्यादा होती है अतः हवा बिरल माध्यम होगा और हवा के सापेक्ष यहाँ पर पानी सघन माध्यम होगा वहीं पर पानी की तुलना हम लोग कांच के साथ कर रहे हैं तो कहने का मतलब हो गया कि कांच के अणुओं के बीच की दूरी पानी की तुलना में कम होती है अतः पानी के सापेक्ष कांच सघन माध्यम होगा और पानी विरल माध्यम होगा तो आप लोग माध्यम का कॉन्सेप्ट को इस प्रकार समझ सकते हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसी माध्यम में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश की दर मुड़ता है तो चलिए हम लोग जानते हैं तो प्रकाश का मुड़ना देखिए प्रकाश का मुड़ना प्रकाश किधर से किधर जाएगी तो किधर मुड़ेगी इसके बारे में हम लोग जानते हैं प्रकाश का मुड़ना है ना बेंडिंग ऑफ लाइट भी इसको हम लोग कहते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत यहां पर मुड़ने के संबंध में दिया गया है कि देखिए जब प्रकाश की किरण है ना जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है है ना जाती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ती है मैंने अविलंब की ओर मुड़ती है तो इसको आप लोग समझिए मान लेते हैं कि बच्चों की दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा है जिसको इंटरफेस कहा जाता है कि नहीं इसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा कहने का मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि नीचे में यदि पानी है तो ये पानी का सबसे ऊपर का तल है जिसके ऊपर हवा मौजूद है इसका मतलब है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये हवा और पानी को अलग करने वाला सतह है है नहीं तो इसको हम लोग इंटरफेस भी कहते हैं या दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा कहते हैं और इस माध्यम पर एक हम लम्ब ड्रॉ करते हैं इस प्रकार ड्रॉ के तो हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर में हवा मौजूद है और नीचे पानी मौजूद है तो हवा और पानी के बीच में यदि तुलना करेंगे तो हवा मेरा क्या होगा बिरल माध्यम हो जाएगा और पानी सघन माध्यम होगा तो अब प्रकाश की किरण को हम लोग कहाँ से लाएंगे हवा से चलता हुआ यहाँ पर आएगा है कि नहीं मान लेते हैं कि यदि यहाँ पर माध्यम मौजूद नहीं होता तो यह प्रकाश इस दिशा में निकल जाता इसका मतलब है कि इस दिशा में सीधी रेखा में वो निकल जाती क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है वो माध्यम यदि मौजूद नहीं है तो इस प्रकार निकलती क्यों है इसका मतलब हो गया कि यह प्रकाश का वास्तविक पथ है तो अभिलंब की और मुड़ना वो वास्तविक पथ का अभिलंब ये अभिलंब है हम लोग ये जानते हैं ये लंब है या अभिलंब आप लोग जो कहिए इसको हम लोग कहेंगे ये लंब है तो लंब की ओर मुड़ना ये भी लंब है तो इसका इधर की ओर मुड़ जाना होता है मतलब यही होता है कि अभिलंब की ओर मुड़ना प्रकाश का वास्तविक पथ का अभिलंब की ओर मुड़ना इसका मतलब है कि जैसे ही ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी वो इधर की ओर आ जाएगी कि नहीं आप देख पा रहे कि यह प्रकाश इधर की ओर चले आया तो इसको कहते हैं अभिलंब की और मुड़ना इसका मतलब हो गया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है अब दूसरा इसमें क्या नियम है तो चलिए हम लोग इसको भी जानने का प्रयास करते हैं दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण है ना जब प्रकाश की किरण किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है जाती है तो प्रकाश अभिलंब से या प्रकाश की किरण जो भी कहें, है कि नहीं तो प्रकाश की किरण तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है है ना अभिलंब से दूर हट जाती है, है कि नहीं दूर हट जाती है इसी को हम लोग कहते हैं दूसरा नियम तो मान लेते हैं कि ये दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है इस प्रकार है ना और इस पर हम लोग एक लंब ड्रॉ करते हैं और इस बार हम लोग मानते हैं कि ऊपर पानी है है कि नहीं ऊपर पानी है और नीचे में हवा है तो अब दोनों के बीच में तुलना करेंगे तो पानी मेरा सघन माध्यम होगा और हवा मेरा विरल माध्यम होगा इस प्रकार भी आप लोग दिखा सकते हैं तो पानी से जब प्रकाश की किरणें जब चलेगी बच्चों तो इस प्रकार वो आपतित होगी जब वो दूसरे है ना यदि ये माध्यम अनुपस्थित रहता यदि ये माध्यम नहीं होता तो प्रकाश अपनी सीधी रेखा पर निकल जाती इस प्रकार सीधी रेखा में चले जाती तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रकाश है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो वह अविलंब से दूर हटेगा तो ये मेरा हम लोग जान रहे हैं कि ये रेखा जो है जो हम लोग डाले हैं वो लंब है या अविलंब है तो उसका दूर हटता है इसका मतलब इससे वो दूर हटेगा तो दूर हटने की जो प्रक्रिया होती है उसका वास्तविक पथ से होती है वास्तविक पथ आपका इधर मुड़ जाएगा ठीक कि नहीं इसका मतलब है कि प्रकाश जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी कि वो इधर चले आती कहने का मतलब है कि अविलंब की ओर मुड़ना तो वास्तविक पथ का इधर की ओर चले जाना अविलंब से दूर हटना इसका मतलब है कि वास्तविक पथ का उधर की ओर चले जाना तो इसको हम लोग कहते हैं अविलंब की ओर मुड़ना या अविलंब से दूर हटने की प्रक्रिया तो ये दो प्रकार की बातें थी जिसको हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार मुड़ती है यहाँ पर आप ये भी जान सकते हैं कि यदि मान लेते हैं मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण यदि कांच से यदि पा है ना पानी में प्रवेश करती तो भी यही घटना होती है कि नहीं क्योंकि कांच सघन माध्यम है और पानी एक विरल माध्यम है तो इस प्रकार भी आप लोग घटना को उसको दिखा सकते हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोगों को मिलेगा बच्चों जानने के लिए वो है प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम हम लोग यहाँ पर जानेंगे क्योंकि छोटी छोटी बातें तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे अब हम लोग थोड़ा सा उसका डिटेल्स हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम है प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है है ना प्रकाश का अपवर्तन का नियम जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं लॉज है ना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इस प्रकार हम लोग उसको कहते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है तो सबसे पहला नियम क्या है इस बात को समझना है प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है तो उसका सबसे पहला नियम होता है आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आपतित प्रकाश अपवर्तित प्रकाश तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है, है नहीं तो चलिए इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसका पहला नियम कुछ इस प्रकार है कि आपतित प्रकाश आपतित प्रकाश अपवर्तित आप प्रकाश है ना आपतित प्रकाश अपवर्तित आप प्रकाश तथा आपतन बिंदु पर है ना तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है ना था आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है ना आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है तीनों एक ही तल पर होता है एक ही तल पर होता है तो इसको हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं तो इसका फिगर आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार होता है मानते कि यह दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा है और इस पर मैंने एक लंब ड्रॉ कर दिया और प्रकाश की किरण इस प्रकार आती है है कि नहीं ये आने वाली प्रकाश है और ये मुड़ने वाली प्रकाश है मतलब अपवर्तित प्रकाश इस प्रकार तो ये तीनों एक ही तल पर होता है बच्चों तो कहने का मतलब हो गया कि ये मेरा आपतित प्रकाश है आप लोग जानते हैं इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्रेक्टेड लाइट है और ये परपेंडिकुलर है है कि नहीं तो ये तीनों एक ही तल होगा तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों को यहाँ पर जानना है कि वो तल कौन सा होगा है कि नहीं यहां पर हम लोगों को दिखाना है कि तल कौन सा होगा तो चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं कि तल कौन सा होगा तो चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं बच्चों उसके लिए मैं देखिए छोटा छोटा दो तल बनाया हूं एक तल देखिए ये है और एक तल ये चीज है है कि नहीं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दो तल है है कि नहीं इसको हम लोग एक काम करते हैं बच्चों के बीच में हम लोग इसको रख देते हैं इस प्रकार है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है दो तल को विभाजित कर रहा है है कि नहीं तो प्रकाश की किरण तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कलम जो है मेरा वो प्रकाश की किरण है प्रकाश की किरण इस पर आ रही है और इसका हम ढक्कन का प्रयोग करते हैं मान लेते हैं कि ये मेरा इधर से अपवर्तित प्रकाश है ये दो चीज़ है है कि नहीं आने वाली प्रकाश आप लोग देख पा रहे हैं और ये जाने वाली प्रकाश है कलम ये चीज़ जो है आने वाली प्रकाश है और उसका जो कैप है वो जाने वाली प्रकाश है तो आप लोग देख पा रहे होंगे और इस पर जो हम लोग लम्ब ड्रॉ करेंगे ये इस प्रकार हम लोग इस पर लम्ब ड्रॉ करेंगे बच्चों इस प्रकार है कि नहीं ये कुछ मतलब आप समझने के लिए ये तीनों किस तल पर है ये पेन मेरा अंगुली और पेन का कैप किस तल पर है आप लोग देख पा रहे हैं कि इस तल पर है ये वाले इस तल पर नहीं है इस तल पर है इसका मतलब है कि ये तल ये होगा ना कि ये होगा तो इसी प्रकार हम फोटो में भी हम लोग को जो बनाए हैं आपका तो वो फोटो में तो आप लोग देख पा रहे हैं कि तल कौन सा होगा यहाँ पर देखिए ये आने वाली प्रकाश है और ये जाने वाली प्रकाश है और इस पर हम लोग लमड्रॉ किए तो ये तीन तल कौन सा होगा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि तल ये होगा लेकिन तल ये नहीं है तल तो मेरा पेपर है ये पेपर है इस पेपर पे तीनों लाइट है कि नहीं तीनों पॉइंट या तीनों लाइन इसी पेपर पर है एक आने वाली प्रकाश जाने वाली प्रकाश और साथ में इस पर परपेंडिकुलर ये पेपर पे ड्रॉ किया गया ना कि ये इंटरफेस पर है इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करें प्रैक्टिकल का दिन मैं जिस दिन आप लोगों के सामने करूंगा, इस लेसन को समाप्त करूंगा, उस दिन मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इसे समझने का प्रयास करें कि तल जो होती है जिस पर प्रकाश पड़ती है वो नहीं होता है जिस तल से होकर के प्रकाश आती है कहने का मतलब है कि प्रकाश इस तल से होकर आ रही है तो कहने का मतलब यह तल है मेरा है कि नहीं तो इसका दूसरा नियम क्या है बच्चों तो दूसरा नियम को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे देखेंगे दूसरा नियम क्या है कि देखिए दूसरा नियम क्या है कि आपतित प्रकाश नहीं, नहीं, आपतित प्रकाश अविलंब के साथ जो बनाया गया कोण जिसको हम लोग आपतित कोण कहते हैं तथा अपवर्तित प्रकाश अविलंब के साथ जो कोण बनाती है जिसको हम लोग अपवर्तित कोण कहते हैं दोनों कोण का जया साइन लेंगे और उसका अनुपात ले लेंगे तो वह एक नियतांक के बराबर होता है तो दूसरा नियम क्या होता है इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे इस प्रकार के आपतित कोण की जया है ना आपतित कोण की आपतित कोण की जया जया मतलब क्या होता है साइन है कि नहीं आपतित कोण की जया अपवर्तित कोण की जया आपतित कोण की जया अपवर्तित कोण की जया नहीं अपवर्तित कोण की जया का अनुपात का अनुपात एक नियतांक होता है नहीं एक नियतांक होता है ना नियतांक, है। है नियतांक होता है इस नियम को हम लोग किसका नियम कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है इसे स्नेल है कि नहीं इसे हम लोग स्नेल है ना स्नेल का नियम कहते हैं इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं बच्चों तो यह बहुत ही अच्छा नियम है इसको आप लोग जानने का प्रयास करिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी फिगर से देखते हैं कि ये मान लेते हैं कि यह आपतित कौन है है कि नहीं ये आपतित प्रकाश है और ये अविलंब है इसके द्वारा बनाया गया कौन जिसको हम लोग आपतित कोण आई कहते हैं और यह आपतित प्रकाश है और अविलंब के साथ जो कोण बना रहा है जिसको हम लोग आर कहते हैं तो इस दोनों कोण का जया का अनुपात हम लोग लेना पड़ेगा कहने का मतलब हो गया एक साइन आई बाई यहाँ पर क्या होगा साइन आर इज इक्वल टू नियतांक होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं ये बहुत ही अच्छा नियम है है ना इस नियम का हम लोग क्या करेंगे अभी अनुप्रयोग करके देखेंगे तो मैट्रिक क्लास में बच्चों को इतना ही तक बताया जाता था कि ये एक नियतांक होता है नियतांक से आगे हम लोग नहीं जानते थे लेकिन आज आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा कि ये नियतांक क्या चीज होता है है ना ये नियतांक जो होता है अपवर्तनांक को बतलाता है माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को ये नियतांक प्रदर्शित करता है तो हम लोग चलिए इसको हम लोग एलुब्रेट करके देखते हैं आखिर क्या होता है तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अपवर्तनांक क्या होता है है कि नहीं हम लोग अपवर्तनांक को जानने का प्रयास करेंगे अपवर्तनांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं है कि नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग कहते हैं इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं है ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं क्या होता है अपवर्तनांक तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक क्या होता है तो इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार देंगे देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात या हवा भी जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है निर्वात औब्लिक हवा है ना निर्वात औब्लिक हवा में प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है ना तथा किसी माध्यम में तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश के चाल के अनुपात को है कि नहीं निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है अपसल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है तो ये बात आप लोग समझे होंगे तो हम लोग इसको समझने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों कि माना देखिए माना है ना क्या माना प्रकाश का है ना प्रकाश का निर्वात अवलिक प्रकाश का निर्वात अवलिक हवा में चाल है ना हवा में चाल सी है तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में माध्यम में प्रकाश की चाल तथा तो माध्यम में, में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या मान लेते हैं भी मान लेते हैं तो अपवर्तनांक जो होता है उसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं आप लोग जानते होंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया सी बाई भी इसी को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं ये चीज आप लोग जानते होंगे इसको हम लोग क्या है? नि... हम लो कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको हम लोग कहते हैं कि नहीं इसे हम लोग निरपेक्ष अपूर्तनांक कहते हैं तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि निरपेक्ष अपूर्तनांक जो होता है वो क्या होता है दो समान राशि का अनुपात है ये भी सी चाल है ये भी सी चाल है इसका मतलब होगा गया अपूर्तनांक क्या होता है एक है ना भौतिक मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि होता है क्या होता है देखिए अपवर्तनाक हर एक बात को हम लोग नोट करेंगे अच्छी तरह से अपवर्तनाक दो समान राशि का या समान भौतिक राशि का अनुपात होता है दो समान भौतिक राशि का राशि का अनुपात है है ना अनुपात है इसलिए इसलिए यह है ना इसलिए यह मात्रकहीन है ना इसलिए या, या मात्रकहीन बीमाहीन है ना इसलिए यह मात्रकहीन बीमाहीन भौतिक राशि है है ना भौतिक राशि है तो कैसा राशि है यह एक संख्यात्मक मान है ना अपना क्या है यह एक है ना यह एक क्या है शुद्ध संख्यात्मक, संख्यात्मक मान है यह एक शुद्ध संख्यात्मक मान है यह एक शुद्ध संख्यात्मक मान है इस बात को आप लोग जानिए फिर हम लोग आगे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है इसका मान देखिए एक से है ना एक से छोटा होता है एक से बड़ा भी हो सकता है एक से छोटा भी हो सकता है लेकिन जीरो से कम नहीं हो सकता जब भी इसका मान होगा वो जीरो से बड़ा ही होगा ये बात याद रखिएगा किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जीरो नहीं हो सकता या तो एक हो सकता है एक से छोटा हो सकता है एक से बड़ा हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता तो इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो चलिए देखते हैं आगे फिर यह शुद्ध संख्यात्मक मान होता है इसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं एक होता है बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक आप लोग देखेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक है नहीं सापेक्ष अपवर्तनांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं क्या होता है तो सिंपल सा बात है सापेक्ष इसका मतलब दो आप माध्यम के अपवर्तनांक की इसमें तुलना की जा रही है इसका मतलब है कि दो माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात यानी दो माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात दो माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात दो माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है कहने का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो किसी भी माध्यम का शुद्ध अपवर्तनांक होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब होता है कि किसी एक माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना दूसरे माध्यम के साथ की जाती है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया शुद्ध अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक तुलनात्मक अपवर्तनांक होता है तो इसको हम लोग चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है मान लेते हैं बच्चों कि ये क्या है दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है है कि नहीं और ऊपर वाले माध्यम पहला माध्यम है है ना और इसका अपवर्तनांक म्यूवन है और ये नीचे में दूसरा माध्यम है और इसका अपवर्तनांक म्यू टू है, है कि नहीं तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि पहला माध्यम है पहला माध्यम का अपवर्तनांक कितना है म्यूवन है और फिर दूसरा माध्यम है तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा म्यू टू होगा है कि नहीं तो यदि हम लोग इस प्रकार कहेंगे कि दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखिए क्या क्या लिख रहे हैं कि दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष है ना पहला माध्यम के सापेक्ष यदि हम लोगों को लिखना है तो कैसा लिखेंगे बच्चों तुम तो लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे दूसरा माध्यम का अपर्तनांक हो रहा है तो म्यू को पहले लिखेंगे जो सापेक्ष वाला पद है उसको नीचे ले आएंगे इस तो कहने का मतलब होगा गया म्यू टू बाई म्यू वन तो ये इसको हम लोग किस प्रकार पढ़ेंगे कि दूसरा माध्यम का सापेक्ष पहले माध्यम है ना दूसरा सॉरी दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष तो इसको हम लोग लिखते हैं इसको बच्चों इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म में वन म्यू टू इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वन म्यू टू तो वन म्यू टू का ही मतलब होता है म्यू टू बाई म्यू वन तो इस बात को आप लोग समझिए तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं यहां पर कि पहला माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा माध्यम के सापेक्ष कैसा होगा तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं म्यू वन बाई म्यू टू तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे टू म्यू वन हो जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं इसको है ना तो इसको अब हम लोग बदलेंगे किस में प्रकाश के चाल में तो देखिए ये बात को समझ में आ गया कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि दो माध्यम में प्रकाश के है ना अपवर्तनांक का अनुपात होता है तो उसको लिखने का भी आप लोगों को तरीका मैंने मालूम कर दिया है ना कि जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको ऊपर रखा जाता है और जिस माध्यम के सापेक्ष तो उसको नीचे रखा जाता है यहाँ पे आप देखें दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक याद करना है तो उसके अपवर्तनांक को ऊपर रखा और किसके सापेक्ष पहला माध्यम का अपवर्तनांक तो उसको नीचे रखा लिखने का क्या तरीका था वन म्यू टू तो अब यहां पर हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि पहला माध्यम में प्रकाश का चाल क्या है है कि नहीं पहला माध्यम में प्रकाश का चाल पहला माध्यम में प्रकाश का चाल क्या है देखिए पहला माध्यम में प्रकाश का चाल पहला माध्यम में प्रकाश का चाल हम लोग क्या कर दिए भी वन कर लिए और दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल हम लोग क्या कह लिए भीटू कर लिए है कि नहीं? दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल है ना दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल इक्वल टू कितना हो गया वी टू हो गया तो यहां पर प्रकाश का चाल भी वन और यहां पर है प्रकाश का चाल भी टू तो पहला माध्यम का निरपेक्ष कितना होगा चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं इस बात को नोट कर लेते हैं आप लोग है कि नहीं हम लोगों ने क्या कहा देखिए अब बताइए पहला माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा पहला माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मैं यहां पे लिखूंगा पहला माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना पहला माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा पहला माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा बच्चों बता सकते हैं सी बायन जिसको हम लोग म्यूवन कहते है इसी तरह दूसरा सॉरी यहां पे लिख देते हैं दूसरा है ना दूसरा माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक दूसरा माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई बी टू इसको हम लोग क्या कहे थे बच्चों म्यू टू हम लोग कहे थे तो हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं कि दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होगा दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष क्या हो जाएगा तो हम इसको हम पढ़े थे वन म्यू टू इज इक्वल टू लिखे थे म्यू टू बाई म्यू वन चलिए सुविधा के लिए हम लोग फोटो भी बना देते हैं ये पहला माध्यम था ये दूसरा माध्यम था इसका अपवर्तनांक यहाँ म्यू वन था इसका अपवर्तनांक यहाँ म्यू टू था यहाँ प्रकाश का चाल भी वन है यहाँ प्रकाश का चाल भी टू है तो इसको हम लोग इस प्रकार म्यू टू का वैल्यू कितना निकला सी बाय भी टू और इसको क्या लिखेंगे सी बाय भी वन तो वन म्यू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए दूसरा माध्यम का पहला माध्यम के सापेक्ष के के करते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं कि पहला माध्यम में प्रकाश का चाल दूसरा माध्यम के सापेक्ष कहने का मतलब हो गया कि पहला माध्यम में प्रकाश का चाल तथा तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष कहा जाता है बात समझे? देखिए पहला इसको हम लोग कैसे लिखेंगे पहला माध्यम में प्रकाश का, का चाल पहला माध्यम में, पहला माध्यम में प्रकाश का चाल पहला माध्यम में प्रकाश का चाल तथा दूसरा माध्यम में प्रकाश का चाल दूसरा माध्यम में प्रकाश का चाल पहला माध्यम में प्रकाश का चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को के अनुपात को है कि दूसरा माध्यम के सापेक्ष है न, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष कहा जाता है सापेक्ष कहा जाता है कहने का मतलब क्या हो गया कि अपवर्तनांक के टर्म में अनुपात और वेग के टर्म में अनुपात दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है आप लोग इस बात को समझ समझना होगा चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष यदि अपवर्तनांक के टर्म में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे म्यू टू बाई म्यूवन मतलब पहला माध्यम का अपवर्तनांक नहीं सॉरी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष वहीं यदि हम लोग है कि नहीं वेग के टर्म में डिफाइन करते हैं वन म्यू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वन बाई भी टू आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर टू बाई वन था या वन बाई टू इसका मतलब हो गया कि यह उल, उलट जाता है, है कि नहीं तो इस बात को समझिए इसका मतलब क्या होता है तो इसके मतलब हम लोग इस बात को समझ में आ गया होगा आप लोगों को अपर्तनांक दो रूप में डिफाइन किया जाता है सापेक्ष अपर्तनांक को दो टर्म में डिफाइन किया जाता है सबसे अपूर्तनांक का अनुपात सापेक्ष अपर्तनांक कहा जाता है या फिर इसको कहेंगे कि दो माध्यम में प्रकाश के चाल का अनुपात भी सापेक्ष माध्यम सॉरी सापेक्ष अपर्तनांक कहा जाता है तो लिखने का क्या तरीका होता है ये बात आप लोगों को सीखनी होगी प्रैक्टिस करके सीखनी होगी है ना क्योंकि जब आप लोगों को मान लीजिए के बोला जाएगा कि सघन माध्यम में प्रकाश का चाल तथा विरल माध्यम में प्रकाश का का चाल का अनुपात अपवर्तनांक के किस टर्म को डिफाइन कर रहा है तो तो आप आप लोग कैसे कहेंगे तो उसको लोगों को लिखने का तरीका सीखना होगा बच्चों तो हम लोग चलिए हम आगे बढ़ते हैं मुझे आशा होगा कि आप लोग ये चीज सीख गए होंगे और यदि नहीं सीखे हैं तो इसको दोबारा आप लोग देखें और सीखने का प्रयास करें है कि नहीं क्योंकि ऑप्टिक्स में टर्म बहुत मायने रखता है क्योंकि वो कहाँ पर कैसा रेशियो लिखा जाएगा कैसा अनुपात लिखा जाएगा ये चीज़ आप लोगों को मायने रखेगा इसीलिए कैसा जैसे पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम दूसरा माध्यम के सापेक्ष कांच के सापेक्ष ग्लास का है कि नहीं या फिर कांच के सापेक्ष हवा का हवा के सापेक्ष है कि नहीं आ, क्या बोलते हैं पानी का अपवर्तनांक लिखना है तो आप लोग कैसे लिखिएगा यदि इस टर्म को आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो, तो इसको सीखना होगा बच्चों

है कि नहीं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे जी म्यू ए लिखेंगे है कि नहीं इसी प्रकार यहां पर यदि यह बोला जाएगा कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक है कि नहीं कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनाक तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक बोला है कांच के सापेक्ष तो म्यू डब्लू को ऊपर करेंगे और ग्लास को नीचे कर देंगे तो इसको कैसे लिखेंगे जी म्यू डब्लू लिखा जाएगा तो ये छोटी छोटी बातों को आप लोगों को सीखनी होगी है कि नहीं चलिए हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको प्रैक्टिस जब तक आप लोग नहीं करेंगे इसको नहीं सीख पाएंगे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ जानने का इसमें प्रयास करते हैं देखिए टॉप यहां पर देखिए स्टार का चिन्ह लगा देते हैं यदि मान लेते हैं कि निरपेक्ष किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि ज्यादा है यदि निरपेक्ष किसी माध्यम का ज्यादा है निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है याद रखिएगा उस माध्यम को हम लोग कहेंगे प्रकाशिक है ना प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं उसको इस बात को रखिएगा कि प्रकाशिक सघन माध्यम कहा जाता है यदि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उस वह माध्यम सघन माध्यम का होगा और सघन माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है प्रकाश का चाल जो होता है प्रकाश का चाल है नहीं प्रकाश का चाल क्या होता है यहाँ पर कम होता है अच्छा एक बात बताइए हम लोग प्रकाश का वेग क्यों नहीं कहते हैं और प्रकाश का चाल क्यों कहते हैं है कि नहीं सब इंपॉर्टेंट बात है समझने में स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं कभी नहीं कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट हमेशा प्रकाश की चाल कहा जाता है क्यों क्योंकि वेग जो होता है वो बदलता है वो वेरिएबल होता है है कि नहीं लेकिन चाल बदलता नहीं है है कि नहीं इसीलिए प्रकाश का चाल कभी नहीं बदलता है याद रखिएगा है कि नहीं उसकी स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकंड होती है इसीलिए उसको हमेशा चाल से इंडिकेट किया जाता है दूसरी बात क्या होती है कि जो है ना निरपेक्ष है कि नहीं अपवर्तनांक जिसका कम होता है याद रखिएगा जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा है ना जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा कम होगा तो वो क्या होता है प्रकाशिक विरल माध्यम कहलाता है प्रकाशिक विरल माध्यम उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक विरल माध्यम और यहाँ पर प्रकाश का चाल ज्यादा होता है कि नहीं यहाँ पर प्रकाश का चाल ज्यादा होता है तो एक माध्यम हम लोग इस प्रकार बनाते हैं इस बात को समझिए है कि नहीं इस बात को समझे। तो चलिए इतना बात को आप लोगों को समझ में आया हम लोग इस बात का आप लोग के साथ आशय रखते हैं है कि नहीं तो अब हम लोग थोड़ा स्नेल के नियम को और अपवर्तनांक के नियम के साथ हम लोग तुलना करके देख लेते हैं देखिए स्नेल का नियम के साथ अपवर्तनांक स्नेल के नियम के साथ है ना स्नेल के नियम के साथ अपवर्तनांक अभी अपवर्तनांक में बहुत कुछ है बच्चों इसको हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ देखिए दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है और ये उस पर खींचा गया लंब है इस ये आपका मान लेते हैं कि विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक म्यूवन है और ये सघन माध्यम है और जिसका अपवर्तनांक म्यू टू है यहां से प्रकाश की किरणें आएगी और ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगी है ना ये कौन आई है और ये कौन आर है तो स्नेल का नियम क्या होगा साइन आई बाय साइन आर है कि नहीं इक्वल टू नियतांक होता है तो नियतांक जो होता है वो सापेक्ष अपुत को, को प्रदर्शित करता है तो आप लोग लिख सकते हैं तो यहां पर देखिए प्रकाश की किरण है कि नहीं माध्यम बिरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम में जा रही है तो यहाँ पर कैसा होगा यहाँ पर हम लोग कैसा लेंगे यहाँ पर याद रखिएगा कि सघन माध्यम का हमेशा माध्यम के सापेक्ष लिया जाता है याद रखिएगा यहाँ पर निर्भर अपवर्तन जिस माध्यम में हो रहा है उसका ही अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है कि नहीं जिसका जिस माध्यम में अपवर्तन हो रहा है उसी का अपवर्तनांक लिया जाता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष इसका मतलब है कि यहां पर हमको लिखना पड़ेगा म्यू टू बाय म्यूवन आप यहां पर कभी नहीं लिख सकते हैं म्यू वन बाय म्यू टू इस बात को आप लोगों को जानकारी में होनी चाहिए कि यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर यदि आप लिखे हैं तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर म्यू वन म्यू टू नहीं हो सकता है, है कि नहीं? नहीं हो सकता है क्योंकि अपवर्तन जिस माध्यम में होगा अपवर्तनांक भी उसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वन म्यू टू लिखेंगे तो इसको हम लोग क्रॉस यदि गुना कर दें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर ये स्नेल के नियम का पूरा रूप होता है इसे ही हम लोग स्नेल के नियम का पूर्ण रूप कहा जाता है नहीं इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं स्नेल के नियम का पूर्ण रूप है नियम का पूर्ण रूप होता है है कि नहीं तो चलिए एक बात हम लोग और यहाँ पे जाने तो चलिए हम लोग आगे और भी चीज़ हम लोग को किस में धीरे धीरे हम लोग जानते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि चलिए समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि नहीं तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखें क्योंकि पेज यहाँ पर थोड़ा सा है इसलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे देखिए इस बात को आप लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि मान लेते हैं कि यहां पर दो माध्यम है।, है कि नहीं यहां पर दो माध्यम है इस प्रकार और ये विरल माध्यम है।, है कि नहीं ये विरल माध्यम है सुविधा के लिए विरल माध्यम का आपूर्तनाक हम लोग म्यू आर क्योंकि विरल रेरर मीडियम कहते हैं जानकारी में और नीचे सघन माध्यम है है कि नहीं इसीलिए इसका अपर्तनांक म्यूडी कहेंगे क्योंकि डेंसर मीडियम हो गया है कि नहीं तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं कि सघन माध्यम का अपरतांक क्योंकि प्रकाश की किरण बिरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम में आएगी तो ये इधर मुड़ेगी तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम का अपवर्तनांक है कि नहीं सघन माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग विरल माध्यम के सापेक्ष हम लोग निकालेंगे सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष निकालेंगे है कि नहीं विरल माध्यम के सापेक्ष है ना विरल माध्यम के सापेक्ष निकालते तो कैसे निकलता है तो हम लोग जानते हैं इसको लिखने के लिए म्यू डी बाय म्यू आर हो जाएगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आर म्यू और इसको हम लोग डी कहेंगे इस प्रकार हम लोग लिखते हैं बच्चों है कि नहीं चलिए इस बात को भी हम लोग जानते हैं मान लेते हैं कि इस माध्यम में प्रकाश का वेग आपका कितना हो जाएगा इसमें कहते हैं प्रकाश का वेग भी आर है और इस माध्यम में प्रकाश का वेग भी डी है तो इसको भी हम लोग लिखने का तरीका हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं आर म्यू डीवल टू हो जाएगा भी आर, है कि नहीं हम हम लोग लोग क्या क्या लिखते हैं इसमें इस दोनों का उल्टा यहां पर वेग के पद में जस्ट उल्टा होता है क्योंकि आप लोग पहले ही देख चुके हैं इसको हम लोग नंबर एक कहेंगे अब हम लोग कहेंगे कि इस माध्यम में प्रकाश जो था उसका तरंग धैर्य जो है वो कितना है देखिए लेमडा आर है और इस माध्यम में जो प्रकाश है उसका तरंग धैर्य कितना है लेम्डा डी है समझ पाए होंगे तो इसमें हम लोग एक, जा, और, एक बात हम लोग और जानते हैं कि देखिए तो इस बात को कि प्रकाश की किरण है कि नहीं प्रकाश की किरण जब है कि नहीं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है लेकिन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है है ना जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है है कि नहीं प्रकाश की आवृत्ति बदलता नहीं है आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है आवृत्ति जो होती है इसकी बदलती नहीं है अपरिवर्तित रहती है तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे तो देखिए सघन माध्यम है कि नहीं सघन सघन माध्यम के लिए हम लोग पहले का प्रयोग करते हैं सघन माध्यम ये संबंध आप लोग जानते होंगे बच्चों कि भी इज इक्वल टू एन लेमडा होता होगा ये भी इज इक्वल टू एन लेमडा आप लोग जानते हो मतलब बेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगधैरी ये छोटा समीकरण है आप लोग पढ़े होंगे पिछले निचले मैंने बच्चे क्लास में पढ़े होंगे तो सघन माध्यम इज एकवल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश का बेग है कितना है भी डी है आवृत्ति एन ही रख देंगे या न्यू रख सकते हैं जो भी और यहाँ पर जो तरंगधैर्य है उसको हम लोग क्या माने हैं लेमडा डी माने हैं इसी प्रकार हम लोग है ना विरल माध्यम के टर्म में मानेंगे है कि नहीं विरल माध्यम के पद में विरल माध्यम में हम लोग यदि कहेंगे तो इसमें वी आर इज इक्वल टू एन लेमडा आर होगा है कि नहीं अब इस दोनों मानों को समीकरण नंबर एक में हम लोग रख देंगे देखिए इस दोनों मानों को समीकरण नंबर एक में रखने पर देखिए इस मानों को है कि नहीं मानों को समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक में हम लोग रखेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं देखिए आर म्यू डी इज इक्वल टू बी आर का वैल्यू क्या रखेंगे एन लेमडा आर बा यहाँ पर हो जाएगा एन लेमडा डी तो एन एन यहां से कैंसिल हो जाएगा तो डेट सिंप्लाइज आर म्यू डी इज इक्वल टू कितना हो गया लेमडा आर बाय लेमडा डी तो यहाँ से हम लोगों को लेमडा डी का वैल्यू निकालना है तो लेमडा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा डी इज इक्वल टू हो जाता है लेमडा आर बाय आर म्यू डी तो ये समीकरण हमको प्राप्त होता है इस समीकरण की जाँच पड़ताल करने से पहले हमको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि आर म्यू डी जो है इसका मतलब हो गया कि जो बिरल सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो बिरल माध्यम के सापेक्ष है उसका मान एक से छोटा है या एक से बड़ा है इस बात पर पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ ऊपर देख करके समीकरण नंबर एक से आप लोग क्या पाते हैं देखिए समीकरण नंबर एक में आप लोग क्या देखते हैं क्या इसका मान एक से बड़ा है या एक से छोटा है आप लोग इस बात को बताइए देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है ऊपर में क्या है प्रकाश का यहाँ पर है प्रकाश का वेग विरल माध्यम में और नीचे में क्या है प्रकाश का बेग सघन माध्यम में तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का बेग है ना विरल माध्यम में ज़्यादा होता है और सघन माध्यम में कम होता है इसका मतलब है कि ऊपर एक बड़ी संख्या और नीचे एक छोटी संख्या यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो संख्या बड़ी ही प्राप्त होगी इसका मतलब है कि इस संख्या का मान हमेशा एक से बड़ा होगा ये हमेशा एक से बड़ी होगी तो ये बात को आप लोग को समझ में आ गया होगा है कि नहीं ऊपर में बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या है नहीं? आप लोग इसको ऐसे भी समझिए बच्चों जैसे ऊपर में हो गई बड़ी संख्या और नीचे हो गई छोटी संख्या तो इस संख्या का मान कितना है दो है अब वहीं यदि ऊपर में छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या तो इस संख्या का मान जीरो पॉइंट फाइव है तो कौन संख्या बड़ी होगी तो यही संख्या बड़ी है ना कि जिसमें ऊपर में बड़ी संख्या बड़ी होती है तो इसका मतलब है कि इस यहां पर अपवर्तनाक का मान एक से बड़ा होगा चलिए ठीक है अब आइए इस समीकरण में इसका मतलब है कि का मान एक से बड़ा है अब कोई भी संख्या को यदि बड़ी संख्या से भाग दी जाए तो संख्या छोटी प्राप्त होती है आप इस बात को जान रहे हैं कि किसी भी संख्या को यदि बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो संख्या छोटी होगी इसका मतलब है कि लेमडा डी का वैल्यू छोटा होगा है कि नहीं यहां पर क्या हो जाएगा मेरा लेमडा डी छोटा होगा लेमडा आर से बात को समझिए आप लोग क्यों ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर आर म्यू डी का वैल्यू एक से छोटा है सॉरी एक से बड़ा है एक से बड़ा संख्या है और किसी संख्या को भाग दिया जाए तो वह संख्या छोटी प्राप्त होती है तो ये संख्या क्या है लेम्डा डी है तो लेम्डा डी छोटा होगा लेमडा आर से तो इससे हमको क्या पता चलता है इससे हमको पता चलता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उस प्रकाश के तरंग धैर्य में कमी आती है कि नहीं देखिए इस संबंध से हम लोगों की क्या जानकारी होती है देखिए जब प्रकाश की किरण है ना जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से है ना जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है जाती है तो प्रकाश का तरंगदैर्य घटता है प्रकाश का तरंग धैर्य घटता है है नहीं प्रकाश का तरंग धैर्य घटता है बच्चों है कि नहीं इसका आवृत्ति तो अपरिवर्तित रहेगी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है कंपन वो जितनी तेजी से कर रही है कंपन उतनी तेजी से ही करेगी आवृत्ति में अपरिवर्तन रहेगा है कि नहीं लेकिन तरंग धैर्य परिवर्तित होता है उदाहरण जैसे मान लेते सर आपने ये बात बोला उदाहरण दीजिए उदाहरण हम देते हैं देखिए उदाहरण लाल प्रकाश का तरंग धैर्य जो होता है है ना चौहत्तर एंगस्ट्रम होता है ये लाल प्रकाश का तरंग दैरी है का तरंग लाल प्रकाश का तरंग धैर्य लाल का तरंग दैरी है ये आप याद रखिएगा लाल प्रकाश का ये तरंग धैर्य है ना जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है मतलब वायु से जब यह कांच में प्रवेश करेगा विरल माध्यम कहने का मतलब हो गया यहां पर वायु ले लीजिए आप वायु जब बिरल माध्यम वायु से कांच है ना कांच में प्रवेश करता है कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग धैर्य है ना तो इसका तरंग धैर्य बदल कर तो इसका तरंग धैर्य बदल कर नहीं घट कर बावन सौ एंगस्ट्रम, जा एंगस्ट्रम हो जाता है बावन सौ एंगस्ट्रम हो जाता है जो हरे रंग का जो हरे रंग का प्रकाश है जो हरे रंग का प्रकाश हरे रंग का प्रकाश का तरंग धैर्य है जो हरे रंग के प्रकाश का तरंग धैर्य होता है बच्चों तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से जाने कि जब प्रकाश की किरण किसी बिरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो उसके तरंग धैर्य में परिवर्तन आता है है कि नहीं तो उदाहरण भी आप लोग यहाँ पर देख पाए होंगे कि एक लाल प्रकाश है जिसका तरंग धैर्य क्या हो चौहत्तर सौ अंगश्रम है और जब वो कांच में प्रवेश करता है वायु से चल करके जब वो कांच में जाता है तो उसका तरंग धैर्य घट करके बावन सौ अंगश्रम हो जाता है जो कि हरे रंग के प्रकाश का तरंग धैर्य होता है है कि नहीं तो आज इतना ही रहेगा बच्चों मेरा वीडियो आज इतना ही रहेगा इससे ज़्यादा है ना मैं नहीं बनाऊँगा वीडियो क्योंकि वीडियो जितना ज़्यादा लंबा होता है उसे अपलोड करने में उतनी ही परेशानी होती है ठीक है आज पहला दिन था बच्चों आज आप लोग इतने बारे में जानकारी प्राप्त किए ये भी कम नहीं है है कि नहीं इसी प्रकार मैं डेली डेली आप लोग का एक नया वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और उसे समझने का प्रयास करें है कि नहीं और इसका एक नोट्स आप लोग अपने पास बना लें ताकि वो नोट्स आप लोग के पास भविष्य तक सुरक्षित रह सके यहाँ पर एक छोटी छोटी बातों का एक फुल्ली एक्सप्लेन यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही लेसन के समाप्ति के बाद आप लोगों को किताब टेस्ट बुक से संबंधित यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी मैं बताऊंगा तो ठीक है आज वीडियो इतना दूर तक ही रहेगा बच्चों आप लोग अपने घर में हमेशा खेले कूदे पढ़े लिखे हंसते बोलते और मुस्कुराते रहें तो चलिए है ना आप लोगों ने जो ये वीडियो आज देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों इसी प्रकार मेरे वीडियो को आप लोग हमेशा देखते रहें वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लॉकडाउन का दौर चल रहा है बच्चे अपने घर में बैठकर पढ़ पढ़ाई कर रहे हैं है, है ना उन्हें पर्याप्त मात्रा में है ना मटेरियल्स उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आप लोग के पास अच्छा मौका है कि आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करके अपने ज्ञान को अपने नॉलेज को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करें कंट्रीब्यूट करें है ना तो ठीक है बच्चों आप लोग अपने घर में अच्छी तरह से बने रहें मैं आप लोगों के साथ पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूंगा है ना तब तक के लिए मुझे बिता नहीं थैंक यू जय हिंद